न्यू टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है और इस टॉपिक से सिमिलर टॉपिक आप 11th क्लास में भी कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या मतलब है एडजस्टमेंट एंट्री, आप समझ लें कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं जिसको नाम दिया है एडजस्टमेंट एंट्री, ये आखिर है क्या। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हम उन्हें ठीक करते हैं। सिमिलर टू दैट, ये करीब करीब वैसा लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। हमने हो सकता है गलती की हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है हमने गलती नहीं की लेकिन तब भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ सकती है। और ये टॉपिक स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होने वाली गलतियों से रिलेटेड है। क्या है ये, जरा ढंग से समझें। हमने एक चीज़ नोटिस की कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है, नेट प्रॉफिट निकालना। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे नेट प्रॉफिट का पता चलता है। नेट प्रॉफिट निकलने के बाद आपको क्या करना होता है, आप अपने पार्टनर से बोलते हैं भाई एग्रीमेंट की कॉपी जरा दिखा दो, उस कॉपी को पढ़कर उसमें जो क्लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है आप कुछ क्लॉज का ठीक से मतलब ना समझ पाए और आपने जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की थी बिल्कुल वैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। मतलब अगर आप पहली सिचुएशन जब एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझ पाए या आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्लॉज को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपको उससे जो भी किसी पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस हो गया है उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ सकती है, जिसे मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किसी पार्टनर को कम प्रॉफिट मिल गया होगा और किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा, उसके लिए आपको बाद में फ्यूचर में पता चलने पर कि अरे ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने तो इस बात का कुछ और मतलब निकाल लिया जबकि असलियत में मतलब कुछ और था, आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ सकती। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी हो सकती है कि आपके सामने जो कॉपी प्रोड्यूस की गई थी एग्रीमेंट की उसमें कुछ पेज मिसिंग थे। हो सकता है आपको एक कॉपी दे दी गई जिसके अंदर कुछ एक पेज कम थे जिनके ऊपर कुछ बातें लिखी थी, जैसे कि पार्टनर ने वैसे तय किया हुआ था कि हमारी पी एंड एल रेशो 3:2 है और यह भी लिखा हुआ था कि हम अपने पार्टनर को सैलरी जो है वो 3000 पर मंथ देते हैं, लेकिन जिस पेज पे दोनों शर्तें लिखी थी वो वाला पेज मिसिंग था उस डीड में जो तुम्हारे हाथ में कॉपी रखी गई। अब बताओ अगर ये पेज मिस हो गया होगा तो तुमने क्या इसी हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तुमने किस हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लगा दी होगी पहली बात तो, इसको फॉलो ना करके उसकी जगह इक्वल कर दी, और क्या तुमने पार्टनर को सैलरी दी होगी, नहीं, और तुमने पेंडल एप्रोप्रिएशन बना के सामने रख दिया, कल को पता चला अरे तुमने तो ऐसा पेंडल एप्रोप्रिएशन बना दिया तो बताओ वो गलत हो गया नहीं हो गया, तो आपको उसको ठीक करने के लिए कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो नंबर वन, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या उसको ठीक से फॉलो नहीं किया गया तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री फ्यूचर में करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, आपको तब एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ सकती है अगर पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट हो जाए, अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड, और ये विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो। क्या मतलब है इसका, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि से तीन लोगों ने पार्टनरशिप की थी जिनका नाम है ए बी और सी, और जब उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था तो ए को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ए ने कहा था मैं ज़्यादा काम करूँगा, बी ने कहा था मैं कम काम करूँगा, और सी ने कहा था मैं और भी कम काम करूँगा, मुझे तो काम की जानकारी नहीं है, तो इसलिए तय हुआ था कि इनकी रेशियो क्या लगाई जाएगी, 3:2:1, ये एग्रीमेंट में लिख दिया गया था और सभी लोग इस एग्रीमेंट को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले 5 साल से, 5 ईयर से ये एग्रीमेंट फॉलो किया जा रहा है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इन्होंने एग्रीमेंट यही बनाया था और उसको वो ठीक से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाद में नोटिस हुआ कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा, ए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, सभी लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं,
बी भी उतनी मेहनत कर रहा है, सी भी उतनी मेहनत कर रहा है, ए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा, सब बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम मेहनत बराबर कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है 3:1, तो प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटेंगे, और बांट रहे हैं जो भी कमाई हो रही है 3:2:1 में। ऑब्वियसली एक को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बी को मीडियम और सी को सबसे कम, लेकिन सी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन ए को दिखाई तो दे रहा है कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ, सी भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो ए को अच्छा फील नहीं हो रहा, उसको लगता है कि नहीं ये नाइंसाफी हो रही है, उसके अंदर का जो इंसान है वो कह रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है, बराबर ही जब काम बराबर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बराबर बटना चाहिए। तो उसने खुद ही अपनी इच्छा से प्रपोज किया, नहीं भाई ये रेशो चेंज कर देते हैं, मैं भी तुम्हारे बराबर ही काम कर रहा हूँ, फालतू काम नहीं कर रहा, तो इस रेशो को नहीं यूज़ करते, उसकी वजह रेशो क्या कर लेते हैं 1:1:1, ये छोटे बड़े का भेदभाव खत्म करते हैं, जब काम हम बराबर करते हैं प्रॉफिट भी बराबर बांटेंगे। और ए एक और ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है कि मैं जो पुराना प्रॉफिट था उसको भी इसी रेशियो में बांटने के लिए अब तैयार हूं, जबकि ऑलरेडी बढ़ चुका होगा प्रॉफिट, 5 साल में कमाया तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को लगा दिया होगा ना, कौन सी रेशियो को 3:2:1, अब वो कह रहा है कि चलो अमेंडमेंट कर देते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, और विद रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट का मतलब होता है बैक डेट से बदल देते हैं, अगर ये अमेंडमेंट कर दिया गया, अगर ये अमेंडमेंट कर दिया अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी पार्टनर को कोई नुकसान नहीं है, वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे नहीं कर लेंगे, एक्सेप्ट होने के बाद पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बदले में नया एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, और नया एग्रीमेंट क्या कह रहा है कि ये रेशो जो अब तक तुम फॉलो कर रहे थे जबकि वो सही थी, इस अमेंडमेंट के बाद वो रेशो रॉन्ग कहलाएगी और ये रेशो सही हो जाएगी, जबकि तुमने कुछ गलत नहीं किया था आज तक, सब कुछ एकदम ठीक किया था, लेकिन इस नए अमेंडमेंट के कारण आपके सारे 5 साल के जो प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे, और आपको क्या करनी पड़ेगी इसको करेक्ट करने के लिए फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में बात ये, तो दो वजह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। नंबर वन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, मतलब ठीक से आपने उसकी क्लॉज को नहीं पढ़ा और नहीं फॉलो किया। दूसरा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई अमेंडमेंट हो जाए, और ऐसा अमेंडमेंट हो जो फ्यूचर नहीं बल्कि बैक डेट से अमेंडमेंट करने की बात करता है, तब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई और मिस्टेक है, लाइक आपने मशीन खरीदी थी उसको परचेज अकाउंट में घुसा दिया, इस तरह की मिस्टेक को दूर करने के लिए 11th क्लास में ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक हमने किया है, इस टाइप की सारी मिस्टेक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से दूर की जाएंगी। आपने रिपेयर ऑफ बिल्डिंग कराई थी उसको बिल्डिंग अकाउंट में घुसा दिया, रॉन्ग एंट्री हो गई है, उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जुड़ी मिस्टेक नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी टाइप की मिस्टेक है, और 11th क्लास में इस टाइप की मिस्टेक को दूर करने का तरीका सीखा था। तो जो नॉर्मल मिस्टेक है उनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर से कवर किया जाएगा, और सिर्फ उन मिस्टेक को एडजस्टमेंट एंट्री से कवर किया जाएगा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जुड़ी हुई मिस्टेक है, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो ओल्ड था वो अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, अब आपके सामने जो भी मिस्टेक आएंगी वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड आएंगी। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर, यहाँ पे तुम देखोगे कि जब मिसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही क्लॉज को आपने मिसअंडरस्टूड किया हो सकता है 3-4 क्लॉज तुम भूल गए लगाना, एक पेज जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा था, सैलरी भी लिखा था, कमीशन भी लिखा था, रेशो भी, एक ही पेज पे सारी बात लिखी थी, वही पेज तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तुमने एक साथ 3-4 मिस्टेक कर दी होगी। तो आपको यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि सारी की सारी जो आपको मिस्टेक हुई है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड हुई है, हमारे पास अगर एक से ज्यादा मिस्टेक हो तो हम एक से ज्यादा एंट्री बनाने की जरूरत फील नहीं करते, बाकी बल्कि क्या करते हैं, उन सभी मिस्टेक को ऐड कर लेते हैं, ए मिस्टेक से क्या हुआ, बी मिस्टेक से क्या हुआ, सी मिस्टेक से क्या हुआ, डी मिस्टेक से क्या हुआ, और उसका टोटल अमाउंट निकाल के एक ही एंट्री में उसे एडजस्ट कर देते। पहले तो क्या था, एक एंट्री रिपेयर की, एक बिल्डिंग की, एक फर्नीचर की, एक मशीन की, अब कैसे आप उनको एडजस्ट करोगे एक एंट्री में, सब अलग अलग है, लेकिन यहां पे सारी की सारी मिस्टेक किनसे हैं, पार्टनर से रिलेटेड, या तो ए पार्टनर गलत हो गया, या तो बी पार्टनर गलत है, या सी पार्टनर, अगर 3 लोगों की पार्टनरशिप है तो एडजस्टमेंट तो ए बी सी में ही होगी ना, क्योंकि और तो कोई गलत है नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट मिसअंडरस्टूड हमने किया, तो इसलिए 3-4 मिस्टेक जो भी होगी हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एक एंट्री में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसीलिए से बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया 3-4 मिस्टेक भी हो सकती हैं, अगर 3-4 मिस्टेक हो जाएं तो आपको अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ताकि पता चल जाए कि किस पार्टनर से कितना लेना है और किस पार्टनर को कितना देना है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, पेज नंबर 15 पर इलस्ट्रेशन नंबर 13 अब हम करेंगे, ये जानने के लिए कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक हो जाए तो बाद में उसे ठीक कैसे करते हैं।
और इस क्वेश्चन को मैं दो स्टाइल से सॉल्व कराऊंगा। वैसे आने वाले टाइम में सिर्फ एक ही तरीके से बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पहला ये सवाल आपको दो तरीके से बताऊंगा। और मैं बता दूं, इसको कैलकुलेट करने के, इसको प्रेजेंट करने के दो नहीं बल्कि चार पांच और अलग तरीके भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सारे तरीके आपको बताए जाएं। अभी मैं फिलहाल दो तरीके बताऊंगा और आने वाले टाइम में सिर्फ एक ही तरीका आपके लिए काफी होगा। यहाँ पर लिखा है इलस्ट्रेशन में, एक्स वाई जेड आर स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स ने, वाई ने और जेड ने, तीन लोगों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया था, और जब शुरू किया था तो 1,60,000 और 40,000 की कैपिटल डाली थी। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 54,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग मैटर्स ऑफ द डीड। कह रहा है बीते साल में उन्होंने 54,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था और ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब कमाया था और हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के पार्टनर को दे भी दिया। बट फिर क्या पता चला, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग मैटर्स ऑफ द डीड, डीड की, लेकिन इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पक्की बात, वो पेज मिस हो गया होगा जिस पेज पर ये सारी की सारी बातें लिखी थी, वरना हमने इन बातों को ध्यान में रख के ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया होता। कौन कौन सी बातों को ध्यान नहीं दिया और प्रॉफिट बट गया? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पहली चीज जो हमें देनी चाहिए थी जो हमने नहीं दी, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, सैलरी टू वाई एंड जेड 4,000 ईच। वाई और जेड को सैलरी मिलनी थी, एग्रीमेंट में लिखा था, आपके पास वो पेज ही नहीं आया जिसपे बात लिखी थी, आपने दी नहीं होगी सैलरी। और तीसरा, स्पेशल कमीशन टू एक्स रुपीज 6,000, हमने स्पेशल कमीशन एक्स को प्रॉमिस किया था वो भी नहीं दिया, और ये सारा काम किए बिना हमने प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हमने माना जैसे एग्रीमेंट है ही नहीं। अच्छा बताओगे प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? इक्वल, हमारे सामने पेज ही नहीं आया एग्रीमेंट का, तो हमने अपना तरीका लगाया और हमने प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या वो प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं। अब जाके हमें पता चल रहा है कि जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो एक तरह से रॉन्ग था, तो अब उसे कैसे ठीक करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है, तीन गलतियां हमसे हुई हैं, तीन नहीं बल्कि एक तरह से चार गलती हुई है। तीन तो उसने बताई है, क्या क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दूसरा सैलरी नहीं दी, तीसरा कमीशन दिया। एक गलती और है, तुमने 54,000 का प्रॉफिट पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर तुम ये सब देते तो प्रॉफिट 54,000 होता ही नहीं, प्रॉफिट तो डिफरेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक गलती और है, तीन तो उसने बताई है, एक और है, वो है प्रॉफिट 54,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारा का सारा। ठीक है, तब कैसे ठीक करेंगे? हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। हम का एंट्री बनाने से पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी उसकी वैल्यू? हम कहेंगे कितने पार्टनर हैं भाई तुम लोग, कितने पार्टनर हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, और इन तीनों को कंसोलिडेट रूम में क्या रूप में क्या बोलते हैं, इनकी एक फर्म है। ठीक है ना, एक हो जाएगी इसकी फर्म। फर्म को मैं एक नाम और दे सकता हूं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस होता है वो, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां से होगा, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बैलेंस होगा वो इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले आपको इस पूरे टॉपिक में बस इतना फोकस करना है कि गलतियां कहां हुई हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या करना जरूरी है। सबसे पहले मुझे गलती पता चल गई है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट 54,000 सारा हो गया, जो कि होने की आवश्यकता नहीं थी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, पार्टनर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भैया जो प्रॉफिट मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया था मुझे एक बार वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्रीमेंट फॉलो कराना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो प्रॉफिट तुमने ऑलरेडी उनको दे दिया है वो उनके अकाउंट से वापस निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग था। आपको हर एक स्टेप में यही काम करना है कि रॉन्ग को करेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, ये प्रॉफिट आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 1:1:1। कितना प्रॉफिट कमा के बांट दिया गया था, कितना प्रॉफिट कमा के बांटा गया था, 54,000। ठीक है जी, तो 54,000 रुपए का प्रॉफिट मिला था, और 54,000 का प्रॉफिट जब बटा होगा तो मैंने उसमें से 18 इनके अकाउंट में प्लस कर दिए होंगे नहीं कर दिए, तुम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते, बताओ प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते थे क्या माइनस करते थे? प्लस करते थे। तो इसका ना ये प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो कैपिटल में प्लस वाला इफेक्ट पड़ा होगा, और मैं कह रहा हूं कि वो तो रॉन्ग था, तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा भैया वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा तो माइनस लिख दूं मैं, भैया तू 18 माइनस कर दे, तेरे अकाउंट से भी 18 वापस लेंगे, तेरे अकाउंट से भी 18 वापस लेंगे, तो फर्म के अकाउंट फिर से 54,000 के भर जाएंगे, प्रॉफिट वापस आ गया।
पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हमने उसको वापस मंगा लिया, अब इसे करेक्ट फॉर्म में इनको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वापस ले लिया प्रॉफिट, अब वापस रिटर्न करना शुरू करो। क्या क्या बातें तय हुई थी जो हमने फॉलो नहीं की थी? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात तय हुई थी जो हमने फॉलो नहीं की थी। ठीक है, अब फॉलो कर देते। तो पहले पार्टनर की कितनी कैपिटल था भाई? 1,00,000। 5% इंटरेस्ट अगर मिले तो उसे कितने का प्रॉफिट होता था इस पे? 5,000। हम कहेंगे भैया तेरे को 5,000 पे लव इंटरेस्ट के देंगे, पहले नहीं दिए थे, अब ले ले। और बताइए पार्टनर के लिए प्रॉफिट है या नहीं? जो भी कुछ पार्टनर को तुम रिटर्न करोगे उसके लिए प्रॉफिट। दूसरे पार्टनर की कितनी कैपिटल थी? दूसरे पार्टनर की कैपिटल थी 60,000, तो उस पे इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3,000। और तीसरे पार्टनर की कैपिटल 40,000 थी तो 2,000। अगर तुम ये बांटोगे तो उन फर्म के पास बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? 54,000 नहीं, उसमें से 10,000 पे कम बटेगा रेशो में, क्योंकि 10,000 तो तुम इंटरेस्ट दोगे, नहीं दोगे। 54,000 पे की कमाई है तुम्हारी, यहाँ पे 54,000 वापस आ गया, सबसे पहले इंटरेस्ट दोगे ना, 10 इंटरेस्ट में निकल गया, 44 बचा। फिर और क्या देना था? सैलरी। चलो सैलरी का काम शुरू करते हैं। किसको कितनी सैलरी मिलनी थी? वाई को और जेड को, दोनों को मिलनी थी 4,000। तो अगर सैलरी उनको मिले तो उनके लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, तो उनके अकाउंट में वापस प्लस कर देते हैं। और अगर उनको मैं सैलरी देता हूँ, फर्म का प्रॉफिट 8,000 पे कम नहीं हो जाएगा? जो भी प्रॉफिट तुम्हारे पास टोटल अवेलेबल था उसमें से 8,000 रुपीज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आपने सैलरी भी दे दी, अब बचा हुआ प्रॉफिट थोड़ा रह गया होगा। और भी कुछ देना है? और भी था एग्रीमेंट में? हाँ जी, कमीशन। किसको? एक्स को कमीशन दे देते हैं। एक्स को देना है कितना? 6,000। क्या एक्स के लिए प्रॉफिट नहीं है ये? 6,000 कहाँ से मिलेगा? फर्म के पीनल अकाउंट से मिलेगा, तो यहाँ से वो 6,000 रुपये का बैलेंस और कम हो जाएगा। क्लियर है? और भी कुछ मिलना है? बैलेंस प्रॉफिट कौन देगा आपको? दोबारा निकालो कितना बैलेंस तुम्हारे पास बचा रह गया, इतना तो तुमने बांट दिया। और अभी तक इसको कितने पैसे मिल चुके हैं उसके अकाउंट में? 11,000 पे प्लस और 18,000 पे माइनस। अभी का बैलेंस जो फिलहाल है वो माइनस का 7,000 है, लेकिन अभी ध्यान रखना अभी प्रॉफिट भी मिलना है। अभी इसके अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? 18,000 माइनस का है और 7,000 प्लस का है, माइनस का 11,000 चल रहा है अभी तक का टोटल। ये मैं टोटल कर रहा हूँ, इसके अकाउंट का टोटल कितना चल रहा है? इसमें 12,000 माइनस का चल रहा है, लेकिन फर्म के अकाउंट में अभी भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है, खत्म नहीं हो गया। 54,000 रुपये की कमाई हुई थी, हमने उसमें से 10,000 एक बांट लिए और 14,000 दूसरे बांट दिए, तो बाकी बचा है 30,000। बताइए इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हो, लास्ट में जो बच जाता है, कमीशन भी दे दिया और लास्ट में बचा 30,000, इस 30,000 को क्या करोगे? आप कहोगे सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लास्ट में कहेंगे जी प्रॉफिट एडजस्टमेंट भी करेंगे, जो लास्ट में बैलेंस प्रॉफिट बचा, और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल। तो इसको और कितने पैसे मिलेंगे अभी? 10,000 और 10,000 और 10,000, और हमने सारा का सारा जैसे उनसे 54 वापस लिया था, सेम सारा का सारा 54,000 वापस उनको रिटर्न भी कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? ले लिए थे एक बार के लिए, लेकिन वापस इनको फिर मिल गए पैसे। नेट बैलेंस क्या बचा? नेट बैलेंस इधर देखोगे तो 3,000 पे इसके बढ़ गए, इधर 1,000 पे कम हो गए, इधर 2,000 कम हो गए, और फर्म में कुछ भी नहीं बचा। फर्म में कभी कुछ बचता नहीं है, छोड़ते खाएं फर्म में कुछ, जो भी कमाई होती है सारी की सारी पार्टनर अपने घर ले जाते हैं। तो हमने कमाई जरूर उनसे वापस ली थी, लेकिन अपने पास रखने के लिए नहीं थी, इन्हीं लोगों को लौटाने के लिए दी थी। हमने गलत बांटा था इसलिए पहले वापस ले लिया, और उसके जो जो सही टर्म्स एंड कंडीशन थे उसके हिसाब से वो वापस उनको रिटर्न कर दिया। अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट 3,000 पे एक्स को कम मिले होंगे, ये जो रॉन्ग हमने प्रोसीजर फॉलो किया था उससे 3,000 कम मिले थे। फाइनल रिजल्ट है इसको 3,000 पे बढ़ा के देने चाहिए। और ध्यान रखना फाइनल हमारे अकाउंटेंसी के अंदर जिसको प्रॉफिट होता है उसको हमेशा क्रेडिट साइड में जगह दी जाती है, और जिसको लॉस होता है, अब ये सही काम करने से इसको प्रॉफिट होगा 3,000 का, क्योंकि जो पहले मिला था और जब मिला उसमें 3,000 का प्रॉफिट उसका बड़ा हो गया। लेकिन इन दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो मिस्टेक के कारण हुआ था। किसी को फायदा और किसी को नुकसान गलतियों को ठीक करने से जरूर होता है। ठीक है, आपने जो काम निकाला बस इसी को अब जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में एग्जामिनर के सामने रख देंगे। कैसे लिखेंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे जिसमें बोलेंगे कौन डेबिट होने वाले हैं। वाई, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2,000। और कौन क्रेडिट हो जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रुपीज 3,000। नरेश में लिखेंगे बींग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर मिस्टेक्स इन पार्टनर इन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और परफॉर्मा है, वैसे जरूरत नहीं है उस परफॉर्मा की, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि आपकी बुक्स में वो गिवन है, जस्ट बिकॉज आपकी बुक्स में गिवन है इसलिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, मेरा आंसर आ चुका है। आपकी बुक्स में जितने भी मैंने ये प्लस और माइनस लिखे ना, उसके बजाय उन्होंने डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मेट यूज किया गया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसे भी मैं यहां पे प्लस बोल रहा हूं, देखो यहां पे लास्ट में प्लस था तो मैंने इसे क्या माना, प्रॉफिट हो गया भाई तेरे लिए, और प्लस का मतलब मैंने क्या दिया उसे, क्रेडिट। आखिर में मैंने प्लस और माइनस को डेबिट और क्रेडिट में बदला, आपकी बुक में जो प्रोसेस में शुरू से वो डेबिट और क्रेडिट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? जितने भी ये माइनस है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये डेबिट है और ये क्रेडिट, फिर ये क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे और ये डेबिट हो जाएंगे, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपकी बुक में डेबिट और क्रेडिट को यूज किया गया, ये डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, एक पहले से बता दूं, क्योंकि स्कूल में कई बार ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है कि भाई ये तुम डेबिट क्रेडिट ही यूज करोगे, प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, डेबिट क्रेडिट यूज करना है, प्लस माइनस यूज नहीं करना है। पहली बात, ऐसे फोर्सफुली कहना रॉन्ग है, आपको लिबर्टी मिलनी चाहिए आप कैसे अपना आंसर निकालना चाहते हैं। सवाल जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जरा एक बार क्वेश्चन में देखना क्या सवाल लिखा हुआ है, क्या करने के लिए बोला गया है। तीनों एडजस्टमेंट के बाद लिखा है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक, वर्किंग नोट शुड ऑल्सो बी शोन क्लियरली। आपसे सवाल पूछा गया भी एक सिंगल जर्नल एंट्री से सारा काम ठीक करना है और वर्किंग नोट आप क्लियरली बनाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है, सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, ये जो मैंने किया है ये क्या है, वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट बड़ा बन गया, ठीक है मैं मानता हूं वर्किंग नोट बड़ा बन गया, लेकिन आपने सवाल पूछा है कि एक सिंगल एंट्री बनाइए और उसमें सारी की सारी वर्किंग कीजिए। मैंने एक सिंगल एंट्री ही आपको बना के दी है, इंटरनली मैंने कैसे बनाई है, मेरी लिबर्टी। आपने तो उसमें नहीं लिखा कि डेबिट क्रेडिट ही यूज करके वर्किंग नोट बनाना। अच्छा, अब ये भी बता देता हूं टीचर ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं और उसके लिए क्या वो लॉजिक क्या देते हैं कि क्यों प्लस माइनस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट चलते हैं, प्लस माइनस नहीं चलते हैं। तो इसलिए तुम्हें वर्किंग नोट बनाते वक्त भी किसका यूज करना चाहिए, आप प्लस माइनस अगर यूज करोगे हम नंबर काट लेंगे, और टीचर नंबर काट लेते हैं, लिटरली नंबर काट लेते हैं। तो तुम उस समय अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर एक्सेप्टेड प्लस माइनस नहीं चलते हैं, डेबिट क्रेडिट चलते हैं, तो क्यों आप 11th क्लास में डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में से लेस करके कराते थे, क्यों आप जब आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री आती थी तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कराते थे प्लस कर दो वेजेस, तब आपने क्यों नहीं हमें बताया कि डेबिट क्रेडिट करना, क्या वहां पे प्लस माइनस अलाउड था? और एक और, क्यों नहीं ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त आपने डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल किया? ओपनिंग कैपिटल निकाली अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली है, प्लस माइनस करके निकाली है या डेबिट क्रेडिट करके निकाली, वो अकाउंट्स के अंदर नहीं आता है। वहां पे पूछा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने वर्किंग नोट बनाया, लास्ट में तो इंटरेस्ट नहीं, ये तो वर्किंग नोट है, मेरी राइट मेरी मर्जी। और वैसे मैं बता दिया प्लस माइनस से डेबिट क्रेडिट बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरे को राइट होना चाहिए ना, मैं क्यों गलत चीज को एक्सेप्ट करूं? आखिर में मैंने आपको जवाब आपके फॉर्मेट में दिया है, मैंने यहां पे डेबिट क्रेडिट लिखा है, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट फॉलो किया, और डेबिट क्रेडिट मस्ट है तो ओपनिंग कैपिटल भी डेबिट क्रेडिट से निकल सकती है। पता है आप वहां पे तो नहीं बोलते टीचर की बहन जी डेबिट और क्रेडिट यूज करना, जो भी क्रेडिट कर रहे हैं वो हमेशा प्लस होता है और जो भी माइनस कर रहे हैं वो डेबिट होता है, ओपनिंग कैपिटल में भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता दिया, मेरी तरफ से फोर्स नहीं है कि आप इसमें डेबिट क्रेडिट करें, आपकी मर्जी, डेबिट क्रेडिट करना है तो डेबिट क्रेडिट करें और प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मेन पॉइंट में आ गया, क्या करना है, हमसे गलती हुई है उसको ठीक करना है, ठीक करने के लिए जो भी सही इफेक्ट होगा वो लेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट फारा वापस ले लिया, उसके बाद जो एग्रीमेंट की कंडीशन थी उनको फुलफिल कर दिया।